أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عديما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال تعالى في سورة آل إمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت मन सबीला फ़ार्फा अन बरदराम ख़वान मिलत सबसे पहले अल्लाह त बेपाया शिक्र एहसान व इम्तना है उस रब करीम ने हम तमाम को अल्लाह के घर में बैठकर दीन इस्लाम के पांच अरकान और पिल्लर्स में से एक अहम रुकन रकीन हज के ताल्लुक से चंद बातें सुनने और सुनाने की शहादत नसीब फरमाई है जिस पर हमें और आपको अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी है सुबह अकबर

सबसे पहले मैं अल्लाह तबरक के बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह तबरक इमसाल जो लोग हज के लिए जा रहे हैं दो साल के वक्फे के बाद बड़े खुशनसीब हैं अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत के साथ लेकर जाए उनके हज को हज मबरूर हज मकबूल बनाएं उनके दुआओं को हज को मनासिक को कबूल फरमाएं, उनकी दुआओं को सारे उम्मत मुस्लिम के हक़ में भी कबूल फरमाएं, सेहत आफियत के साथ रख कर कामयाब करके अल्लाह तब्रकाल सेहतमंदी के साथ वापस लाएँ आमीन या रब्बल अबीन फिर इस मौके पर मैं मस्जिद खलील के सबक़ और लाख तमाम ज़िम्मेदारों का और साथ ही साथ कुल स्टाफ का जुमला अमला का और बेंगलोर दरूस के तमाम अमला और टीम का ते से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त की ज़रूरत के, के हिसाब से इस प्रोग्राम को मनक़द किया है अल्लाह तबरक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हम के की सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए आपकी हमारी सबकी मेहनतों को अल्लाह तबरक कबूल फरमाए आमीन आलमीन हाजरीन जैसे कभी आपने समाज फरमाया मेरा मौजू है कि हज के फर्जियत यानी हज के फर्ज होने उसकी तारीख यानी हिस्ट्री और हज के शराइत क्या है हाजरीन हज की तारीख़ के सिलसिले में मैं पहले अर्ज़ किए देता हूँ हज की तारीख का पता इस आयत से चलता है कि सुरा हज की आयत नंबर सत्ताईस में अल्लाह ने तबर तब्राहीम सलाम से फ़रमाया और वो कब फरमाया जब इब्राहीम सलाम को अज़ीम कुर्बानी देनी पड़ी बुढ़ापे का सहारा इकलौती औलाद और बीवी को ले जाके बेआब हो गया सरजमीन पर छोड़ के आए इब्राहिम सलाम ने कुर्बानी का आगाज किया पौधे को लगाया और इस पौधे की आबियारी करके फलदार बनाने वाली उनकी बीवी हाजरा है हर जबान में ये कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरतों का हाथ होता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज वमेन वरा कुल्लिन कबीर इमरा हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है इब्राहिम असलाम के पीछे हाजिरा का बड़ा रोल है महम्मद अलैहि वसल्लम के पीछे खदीजा तआला अनहा का बड़ा किरदार है बड़ा रोल है इब्राहिम बे आब हो गया सरजमीन पे छोड़ के आ गए और हाजिरा ने ताबेदारी की फर्मा बरदारी की शौहर की ताबेदारी और फरमा बरदारी का ये फायदा है कि उसके बाद देखो मक्का आबाद हुआ जमजम का कुआं मिला एक बूंद पानी के लिए तरस गए लेकिन अल्लाह ने ऐसा पानी दिया जो रहती दुनिया के लिए पीने को पानी भी है खाने को गजा भी है बीमारी के लिए शिफा भी है हजारों साल से इस्तेमाल करने के बावजूद पानी कम होने का नाम नहीं अल्लाह अकबर ये जमजम का पानी है फिर उसके बाद सफा मरवा की सही भी मिली क़ाबा आबाद हुआ मक्का आबाद हुआ आबाद होने के बाद अल्लाह तबरक ने इब्राहिम से कहा इब्राहिम अब जब काबा आबाद हो गया हजर असवद आ गया मक़ाम इब्राहिम है सफा मरवा है और फिर यहां पर मक्का आबाद भी हो गया है अब क्या करो वो अदिन फिन्ना से सिबिल लोगों में हज का ऐलान कर दो लोगों में हज का ऐलान कर दो इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह मैं यहां से ऐलान करूं तो बात कहां तक जाएगी आवाज कहां तक जाएगी अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम्हारा काम ऐलान करना तुम्हारी आवाज दुनिया के चप्पे चिप्पे तक पहुंचाना कोने कोने तक पहुंचाना गोशे गोशे तक पहुंचाना वो मेरी जिम्मेदारी है वो अली गल बलाग मेरे ऊपर है उसको पहुंचाना इब्राहिम ने उस वक्त ऐलान किया कि लोगो हज के लिए आओ तो हज की फर्जियत का पता वहां से चलता है हज की तारीख का अंदाजा वहीं से होता है अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम तुम ऐलान करो लोग आएंगे या तू का रिजाला लोग पैदल भी आएंगे वह अलाकुल्ल दामिर और दुबले पतले सवारियों पर भी आएंगे यानी तेज़ रफ्तार सवारियां चाहे क्यामत तक कितनी भी तेज रफ्तार सवारियां आए ये अलाकुल्ल दामिर के लफ्ज में सारे के सारे दाखिल हैं ये अतीन ये सब आएंगे मिनकुल्लिफिन अमीख चौड़े रास्ते से गहरे रास्ते से छोटे छोटे रास्ते से गर्ज हर हर कोने से हर हर एतबार से लोग आएंगे तुम ऐलान कर दो यह हज की तारीख है मेरे भाइयों और आप जानते हैं कि जमाने जाहिलियत से भी हज का पता चलता है इब्राहिम के बाद से यह सिलसिला चल रहा है इब्राहिम ने ऐलान किया अल्लाह ताला ने उसको बरकरार रखा और आज तक यह सिलसिला चल रहा है लोगों में गलतफहमी यह है कि अगर कभी हज बंद हो जाए तो क्यामत आ जाएगी कोरोना जब शुरू हुआ और हज के बंद होने का ऐलान हुआ तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा सऊदी गवर्नमेंट को फुला को फुला को देखो ये सऊदी गवर्नमेंट की बात नहीं है ये तो सारी दुनिया का मसला था और इससे पहले भी हज एक दो नहीं बल्कि दसियों दफा बंद हुआ है दो साल तक बंद रहा पिछले साल इसे पूरी तरह से बंद नहीं रहा मखसूस तबके के लोगों को और मखसूस इलाके के लोगों को परमिशन मिला है देखा जाए तो एक ही साल बंद रहा उससे पहले दसियों बार एक दो बार नहीं दसियों बार हज बंद हुआ है हाँ एक होता है काबे को जब उजाड़ दिया जाए और हज पर पाबंदी यानी जबरन जबरन काबे को उठा दिया जाएगा हजरा सुबद को खत्म कर दिया जाएगा और उस वक्त हज पे आने वालों पर जुल्म ढाया जाएगा तब तो दुनिया में मोमिन होंगे ही नहीं तब क्यामत आएगी वो तब की बात है अब की बात नहीं है ये है हज की तारीख मेरे भाइयों हाजिर सलाम की अदा और उनकी हरकतें इब्राहिम आसम के जज्बा इता तो फरमा बरदारी बर्दारी आपके क़ुरबानी का जो जज्बा इता तो फर्मा का जो बेहतरीन नमूना था अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने कहा कि वह ही फिल आखरीन हम बाद में आने वालों पर यह तरीका छोड़े जा रहा हूँ उसके बाद से यह सिलसिला चल रहा है पैरा नबी इसको फ़र्ज करार दिया आपने हदीस बारह सुनी है बुनियाद इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गई है उनमें से एक है हज जो इस्त रखता है उसके लिए हज करना फर्ज है हज की फर्जियत के तल्लुक से अल्लाह तबरक ने इमरान की आयत नंबर और सेवन में फरमाया, फरमायादी बक्का पहला घर जो कि मक्के में है काबा अल्लाह की इबादत के खातिर लोगों के लिए बनाया गया उसमें बेशुमार निशानियां हैं फी आया तुम बना तुम इब्राहिम उसमें बेशुमार निशानियां हैं मकाम इब्राहिम भी हैं जो उसमें दाखिल हो गया अमन पा गया बैत लोगों पर अल्लाह के घर का हज करना जरूरी है वाजिब है फर्ज है वल्लास लोगों पर जरूरी है कैसे लोगों पर जरूरी है मन सबीला जो वहां तक पहुंचने की इस्तित रखता है वहां तक पहुंचकर वापस आने की इस्तात रखता है ऐसे आदमी पर हज फर्ज है और हज फर्ज होने के बावजूद जो हज ना करें अल्लाह ने फरमाया वो काफिर है बिला वजह हज फर्ज हो गया और बिला वजह हज नहीं कर रहा है तो ऐसे आदमी के बारे में कहा वह मन इस्तात है कोई रुकावट नहीं है उसके बावजूद हज के लिए नहीं जाता है कहा कि वह अमन का फारा और जो कुफर करे अल्लाह तो अल्लाह तलामीन जहां वालों से बेनियाज है अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं है हमें अल्लाह की जरूरत है हमें अल्लाह की जरूरत है गरामी हज फर्ज है इस्तितात हैसियत और उसात रखने वालों पर उसात और हैसियत क्या है आइए मैं शरात के जमन में इस बात को अर्ज करूं मेरे मौजूद का आखिरी शिक है कि शुरूत, शुरूत। हज के शर्त के ताल्लुक से इल्म ने आमतौर से कई शुरूत बयान किए हैं खुलासे के तौर पर पांच शर्तों को बयान किया गया है कि पहली बात हज फर्ज होने के लिए आदमी मुसलमान हो गैर मुस्लिमों पर हज फर्ज नहीं है यह पहली शर्त है दूसरी शर्त वो अकलमंद हो पागलों पर हज फर्ज नहीं है औरतों के लिए एक शर्त यह है कि उनके लिए महरम हो महरम हो महरिम नहीं है तो उन पर हज फर्ज नहीं है घरचे इस्तितात हैं और इसी तरह से हज के शुरूत में से एक शर्त यह भी है कि वो आज़ाद भी हो गुलामों पर भी ज़रूरी नहीं है फिर इसी तरह से एक शर्त यह भी है कि इस्तात रखें इस्तात हो और इस्तात जिसको कहा जाता है इस्तात यानी वहाँ तक जाकर वापस आने तक की ताकत रखता हो आने जाने का खर्चा उसके पास हो उसके पास सेहत और तंदुरुस्ती भी हो हाँ ख़र्चा तो है लेकिन सेहत और तबीयत साथ नहीं दे रही है तो भी उसके लिए जाना ज़रूरी नहीं है वह हज बदल कर अपनी तरफ से किसी और को भेज दे लेकिन उसके लिए शर्त यह है जिसको आप भेजेंगे कम से कम उसका हज किया हुआ होना चाहिए हज किया हुआ होना चाहिए नबी ने एक आदमी को देखा कि किसी और की तरफ से हज का इरादा किया हुआ है लब्बा कह रहा है नबी ने फरमाया क्या तुमने हज किया ना के नहीं कहा कि पहले तुम अपना हज करो फिर उसके बाद शुभरुमा की तरफ से हज करो एक आदमी उसकी तरफ से वो हज कर रहे थे तो जो किसी और की तरफ से हज करेगा उसका अपना हज किया हुआ होना जरूरी है और जो जाने की ताकत नहीं रखता है तकलीफ उठाकर जाने की भी जरूरत नहीं है बल्कि किसी और को भेज दे आपको हज का पूरा पूरा सवाब मिल जाएगा हाजिर निगरानी मेरे मौजू का सारा इहाता हो चुका है सारा इहाता हो चुका है अब आइए मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं हज की तारीख फर्जियत और उसके शराइत की बात हो चुकी है हज़रीन आप इन वाकयात से इन मसाइल से वाकिफ़ हैं इनकी फ़जीलत फ़र्जीत और दीगर चीज़ें जो अहम चीज़ें हैं जैसे हज कैसे करना उसके अरकान क्या हैंहराम कैसे बांधना, अहराम के मुमनवात क्या क्या हैं अराम बांधने के बाद क्या, क्या क्या काम नहीं करना है इन सब चीज़ों को एलोब्रेट किया जाएगा इन शाला के बयान में मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही मेरे टॉपिक से हट के मेरे टॉपिक से हर हट के मेरे पास पाँच मिनट और भी हैं उस पाँच मिनट में इन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ हजरीन हज के लिए आप यहाँ से रवाना होते हैं तो सबसे पहली बात हमें चाहिए कि दिलों में अखलास और लाहीत रखें रिया नमूद बड़ी बड़ी दावतें एक दूसरे के साथ बयानबाजी ये सब चीज़ों से परहेज और गुरेज करें दूसरी बात हज में आप जाते वक्त लोगों से गलती क्या होती है सोचते हैं कि हज में सैंडल ही पहनना है मतलब स्लीपर ही पहनना है स्लीपर के अलावा कुछ नहीं पहन सकते क्या करते हैं नई स्लीपर लेकर जाते वहां जाने के बाद पहनते पहले स्लीपर पहनने की आदत नहीं चलते चलते पैर कट जाते और उसके बाद तकलीफ उठाते किसने कहा कि आप स्लीपर ही पहनना है आपके टखने से नीचे जो भी है वो पहनो जैसे कुशन का बेहतरीन आपके पास अगर सैंडल है कुशन वाला अच्छा सैंडल है या जो एंकल के नीचे वाला शू है एंकल के नीचे वाला शू है तो उसको भी पहनने में कोई हर्ष नहीं है उसको आप पहन सकते हैं तो ये पहन ले, फिर इसी तरह से एक बात याद रखिए कि आप जिस चप्पल को शू को पहनेंगे उसको क्या करें पहले से ही पहले से ही ले कर यहां चंद दिन पहन ले वहां जाके नए नए पहनते नहीं नया चप्पल नई चप्पल जो है पैर को काटना शुरू करती है तकलीफ होती है यहाँ पहन के उसको जरा आदत डाल लें उसको नरम सॉफ्ट कर लें तो चमड़े के बेहतरीन कुशन वाला जो सैंडल वगैरह होता है चलने में आपको तकलीफ नहीं होगी नीचे नरम रहेगा ये सब पहन ले कोई हर्ष की बात नहीं है फिर इसी तरह से याद रखिए हज के सफर में आपके पास एक बेहतरीन छतरी बेहतरीन उम्दा क्वालिटी की छतरी लोकल क्वालिटी मत लीजिए क्योंकि इतनी तेज हवाएं चलती है ना वो हवा में उड़ जाती है और उल्टी बेंड हो जाती है इसलिए आप क्या करें एक मजबूत अच्छी क्वालिटी की छतरी साथ में रखें और एक छोटा छोटी सी एक बैग आपके पास साइड बैग होना चाहिए इतना छोटा भी ना हो इतनी बड़ी हो बहुत बड़ी भी ना हो जिसमें आप एक पानी का बॉटल रख सकते हो एक छतरी रख सकते हो और एक चटाई कम से कम जो प्लास्टिक के हसीर है वो रख सकते हो उतना रख ले। इतना आपके पास होना चाहिए बहुत जरूरी है हज के सफर में एक छतरी जरूर ब ज़रूर साथ में रखें हज के सफर में मैं आपको जो मुझे याद आ रहा है इसे बताऊंगा तरतीब से नहीं गर्मी बहुत होती है और फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं दो दिन तीन दिन अच्छा लगता है उसके बाद उसका रिएक्शन शुरू होता है और आप बीमार पड़ जाते हैं बीमार पड़ जाते हैं क्या होता है सर्दी हो गई बलगम हुआ ये हुआ वो हुआ इसलिए अल्लाह के वास्ते अपन आम पानी ही बार बार पिया करें आदत पर आप आदत डालोगे कोई मसला नहीं होगा जो नॉर्मल पानी है उसी को बार बार की पिया करें जमजम भी आप साथ में रखें जो नॉर्मल हो वो पिया करें फिर एक चीज याद रखिए हज के खास तौर से जो हज के अयाम होते हैं आप यहां से जाएंगे उम्र कर लेंगे फिर आप आज़ाद हो जाते हैं तवाफ करते रहिए इबादत करते रहिए हज के अयाम में खास तौर से हज के अयाम में जब आप निकलेंगे जब आप निकलेंगे अपने होटल से हो या जो लोग लेट जा रहे हैं मीना के लिए जब आप निकलेंगे वो जो हज के पांच अयाम हैं हज के जो पांच अयाम हैं आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये हज के पांच अयाम हैं तो सात की शाम को ही आपको लेकर चले जाते हैं बहुत ज़्यादा तदाद इसकी वजह से अब तो अलहद कम है आप एक काम करें जब आप मीना को सबसे पहले निकलते हैं ना फिर आप हो सकता अपने होटल में वापस आ भी पाए ना भी आए क्योंकि बहुत दूर किसी के होटल होता है नहीं आ सकते हैं तो कम से कम साथ में क्या रखें आप एहराम एक्स्ट्रा एक रखा करें हराम एक्स्ट्रा एक रखा करें एक अहराम में आप पाँच छह दिन गुजारे बहुत मुश्किल हैं बहुत मुश्किल है कुछ भी हो सकता है नापाक हो गया कुछ भी हो गया नौजवान है हो गया कुछ भी हो सकता भाई, है भाई फितरी चीज़ें हैं तो एक अहराम एक्स्ट्रा जरूर रखें और एहराम के कपड़े छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन वो मैं महसूस किया इसलिए बता रहा हूं बहुत मोटा कपड़ा अहराम के लिए लेते हैं फिर पहनना नहीं आता बार बार निकल जा रहा गर्मी हो रही है आप मुनासिब बहुत पतला ना हो बहुत मुनासिब कपड़ा ले लें जो कि एक अच्छी तरह से आपके शतरपोशी भी हो और आपको तकलीफ ना हो पहनने ओढ़ने में और रखने में इतना मोटा ले, ले लेते बैग एहराम के कपड़े में ही भर गया है ऐसा नहीं होना चाहिए एहराम के कपड़े ज़रूर एक साथ में रखें एहराम उतार जाने के बाद आपको एक कपड़ा पहनना है ना तो दो एक्स्ट्रा जोड़ा आमतौर से रखें क्योंकि दस तारीख को जब एहराम उतर जाएगा तो उसके बाद आपको ईद का कपड़ा पहनना है ना तो ईद का एक जोड़ा साथ में रखे क्योंकि उसके बाद भी तीन दिन आपको रहना है मीना में हाँ ग्यारह बारह तेरह आपको रहना है तो ईद के दिन के कपड़ा उसके बाद और एक ड्रेस साथ में रखा करें तो आप मीना में जाते वक्त क्या करना छतरी तो साथ में हमेशा रखना छतरी एक अच्छा बाटल पानी के लिए और दूसरे एक एहराम का एक एक्स्ट्रा एहराम और दो जोड़ा कपड़ा जरूर साथ में रखा करें दो जोड़ा कपड़ा जरूर साथ में रखा करें और खाने पीने की फिक्र ना करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत फरावनी दी है आप मीना में चले जाएंगे मीना में जाए आका मसाला आप मालूम करेंगे मैं आपको कुछ तजुर्बे की बातें बता रहा हूँ जो ज़रूरी हैं मीना में रहें सुकून से रहें उसके बाद दूसरे दिन आपको अरफा ले जाया जाएगा अरफा यह असल हज है अरफा के मैदान में गर्मी बहुत होती है आपके लिए छत मिलना मुश्किल है लेकिन टेंटों में तो है लेकिन टेंट के अंदर आप रहना मुश्किल है गर्मी में सफोकेशन होती है कोशिश करें हसीर एक जरूर साथ में रखे हमें भूल गया एक हसीर जरूर एक साथ में रखना है और वो जो एक आप पिलो भी एक रखें जिसको फूक के बड़ा किया जाता है ना जो उसको एयर वाला एयर वाला एक पिलो भी रखे एक तकिया भी रखा करें साथ में क्योंकि मुस्तलीफा में आपको लेटना है कोई जगह नहीं कुछ भी नहीं है और वहां पर कोई टेंट आपको मिलेगा नहीं इसलिए एक-एक हसीर अपने साथ जरूर रखें कब मीना दल... में जाते वक्त जब निकलते हैं ना आप जब होटल से निकलोगे मीना हज के पांच आयाम की तैयारी बता रहा हूं छतरी एक बॉटल एक चटाई एक तकिया अब पूरे इतने बड़ी तकिया लेंगे तो कहां इसलिए एयर वाला रखिए जगह स्पेस कम लेने वाला हो और अब कुशन वाला मजबूत एक चप्पल रखो या सैंडल रखो चलते चलते जो टूटे नहीं मामूली क्या करते वहां जाकर दस रियाल में खरीद लेते हैं दो कदम चले टूट जाती है उसके बाद पैदल चलते हैं परेशानी इतनी होती है? नहीं मैं तो ये कहूंगा कि आप एक्स्ट्रा एक रख लें क्यों कभी होता हरम में भीड़ भाड़ में कहीं रख दिए और चोरी नहीं होती वहां पर लेकिन वहां तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो जाता है या रख देने के बाद वो पूरे झाड़ू मार के कहीं आके सफाई कर देते हैं आपको फिर मिलता नहीं है एक एक्स्ट्रा भी रखा करें एक, एक एक्स्ट्रा भी रखा करें एक चटाई जरूर लेकर जाए अरफा के मैदान में आप जाएंगे तो वहां अरफा में एक गलती जो होती है बहुत गर्मी होती है और खाने पीने का सामान बहुत दिया जाता है ठीक है आप शुरू में खा लें दोपहर तक कभी खा लें दोपहर के बाद खाना जरा कम करें दोपहर के बाद खाने पे कंट्रोल करें और कोशिश करें टेंट से बाहर निकल के कहीं चटाई डाल ले कोई दरख्त का छांव तलाश कर ले क्योंकि हवा आएगी सफोगेशन नहीं होगी और खड़े होकर वहां इबादत करें सबसे अच्छा यही है वहां एक मसला क्या होता रफा के मैदान में टॉयलेट का बड़ा मसला है क्योंकि लोग जाते हैं ना उनको दूर जाएंगे तो गुम हो जाएंगे वो मसला रहता है साथ में और भी लोग उनकी रहनुमाई ले लें रहनुमाई ले लें सब क्या करते हैं या बाजू जो टॉयलेट है वहीं पर भीड़ लगाते हैं अरे भाई दो कदम आगे चल के जाओ हजारों की तदाद में बना के रखे हैं लाला हजारों की तदाद में थोड़ा थोड़ी दूर जाओगे एकदम खाली है पर पता नहीं, कब बारी आएगी इतनी भीड़ है ये है वो है उसको कंट्रोल करके रखते उसके बाद उसका पेट खराब हो जाता मत करो भाई मत करो ये कुछ चीजें मोटी मोटी आपको लगे कि हंसी आ रही है लेकिन होता है ये प्रैक्टिकली ये हाँ इसलिए थोड़ा आगे जाकर तलाश करो आपको मिल जाएगा खाली पड़े हुए हैं कितने जाओ सुकून से फरागत करके आ जाओ ये एक चीज है और एक चीज याद रखी शाम में अरफा के दिन जब आप मुस्तलफा के लिए रवाना होंगे अरफा के दिन क्या करना नौसल हिज्जा सूरज के गरूब होने तक अरफा में रहना है मगरिब के बाद आपको मुस्तलफ़ा ले जाया जाएगा मुस्तलफ़ा में जाकर आपको मगरबिशा पढ़ के सो जाना है मुस्तलफ़ा में कोई इबादत नहीं करना सो जाना सिर्फ कंकरियाँ चुनना है कंकरियाँ चुनना है मगरबिशा पढ़ लें कसर करके उसके बाद जमा करें कसर करें और कंकरियाँ चुन के सो जाए मुजदलिफा में सोने के लिए हसीर की जरूरत होगी वहां टेंट नहीं छत नहीं कुछ नहीं सबको ओपन मैदान में सोना है उसके लिए आपको हसीर साथ में रखना जरूरी है मुस्तलिफा में जाते हुए ये जो आरफा से मुस्तलिफा में सात आठ किलोमीटर है ये या मैक्सिमम आठ दस किलोमीटर है बस चलती नहीं है रेंगती है कम से कम तीन चार घंटा तो लगेगा कम से कम बता रहा हूं तीन चार घंटा आज अगर मतलब भीड़ को कम कर दिया गया तो काफ़ी हद तक हो सकता कि फ़ारिग आप हो जाएं लेकिन मैं कोशिश गुजारिश आपसे करूंगा कि आप कज़ाए हाजत से पहले फ़ारिग हो लें पेशाब पाखने से फ़ारिग हो लें जिनको शुगर वगैरह की बीमारी है अल्लाह हिफाजत फरमाए और उनको बार बार पेशाब की शिकायत होती है उनको चाहिए कि ज़रा मगरिब के, के आसपास में फ़ारिग हो जाए फिर पानी मत पिया करें अल्लाह के वास्ते हां जब तक आप मुज़दलिफ़ा ना पहुंचे क्योंकि बस में बैठ गए और बीच में तीन चार घंटा लग गया तीन चार घंटा लग गया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूं सात बजे हम लोग रवाना हुए साढ़े बारह को पहुंचे थे कितने घंटे लगे आठ नौ दस ग्यारह बारह साढ़े बारह साढ़े घंटा अरफा से मुजलि पहुंचने के लिए अब बताओ इतनी देर में अगर कजाय हाजत आ गई कहां है बस वाले ना आपको बीच में उतारेंगे कुछ नहीं करेंगे कहाँ टॉयलेट है क्या है बड़े मसाइल होते हैं इसलिए उसका ज़रा ख्याल रखें फारिग होकर सोच के बैठें कि कम से कम चार पाँच घंटा तो मुझे बैठना है हुँ? ये और जो लोग गवर्नमेंट इसमें जाते हैं उनके लिए ट्रेन वगैरह की सहूलत जगहों पर हैं जगहों पर नहीं है तो उसके लिए इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखें ये बहुत जरूरी मोटी मोटी बातें थी मैं आपको बता दिया फिर उसके बाद एक आखिरी चीज़ है आप मुसलिफ़ा में जाके रात में जागने की कोशिश ना करें क्योंकि दूसरे दिन बहुत मेहनत करना दस तारीख उस दिन बहुत मेहनत करना कई काम है आप सुनेंगे और वो मेहनत के काम दस तारीख को ही है और उसमें आप बेसब्रा ना हैं जल्दबाज़ी ना करें कानून को फॉलो करें जो मालिमान उनके जो रहनुमाइयाँ हैं उनको फॉलो करें इन शाला हल हो जाएंगे और बाकी रहें जो आप अरफा में उसके बाद मुना मिना में रहेंगे इस प्रकार से में गुजारा करें और अगर कोई बात अगर खصوصی याद रहे इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा दुआ हरब से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन सुबह हमदिक अशदुला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुक तुब इलैक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम